प्रिय शिक्षार्थियों, इस बीएड प्रोग्राम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं इस वीडियो के माध्यम से बीएड प्रथम वर्ष का जो कोर्स है बाल्यावस्था एवं विकास, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसके कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, जिससे आप इस कोर्स को समझ पाएं और आप जब इस कोर्स का स्टडी मटेरियल पढ़ें, इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ करें, तो आप उसको अच्छे ढंग से कर पाएं। प्रिय विद्यार्थी, हर एक कोर्स के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, वैसे ही इस कोर्स का पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको बाल्यावस्था और किशोरावस्था, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस, इसके बीच क्या अंतर है इन संप्रत्ययों में, वो समझाया जा सके, और साथ ही विभिन्न परिदृश्यों में, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में, डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट में बच्चे कैसे बढ़ते हैं, उनके बढ़ने की प्रक्रिया क्या होती है, क्या वे कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होती है, इसके विषय में आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा सके। साथ ही इस कोर्स में हमने कोशिश की है कि आप बच्चों के डेवलपमेंट के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को एग्जामिन कर सकें और फैमिली लाइफ, स्कूल, संगी साथी, मीडिया, इन सबका बच्चों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनके जो विकासात्मक परिप्रेक्ष्य हैं, डेवलपमेंटल कॉन्टेक्स्ट हैं, उनको आप एनालाइज कर सकें और उन पर अपने रिफ्लेक्शन दे सकें, यह भी इस कोर्स का एक ऑब्जेक्टिव है। साथ ही इस कोर्स का एक और ऑब्जेक्टिव है कि आप बच्चों और किशोरों, चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स के डिफरेंट इश्यूज को डिस्कस कर सकें, जो मुद्दे, जो समस्याएं उनके सामने आती हैं, और साथ ही लाइफ स्किल एजुकेशन प्रोग्राम, जीवन कौशल शिक्षा को विकसित करने की जरूरत क्यों है, इसके बारे में आप अपने रिफ्लेक्शन दे सकें। तो हमारा ये कोर्स मूलतः बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर जब बच्चे जाते हैं तो उनके विकास प्रतिमानों पर आपकी मदद करेगा। इस कोर्स के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो कोर्स में कुल 3 ब्लॉक्स हैं। पहले ब्लॉक में हम बाल्यावस्था और किशोरावस्था, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस, इसकी समझ आप में विकसित करने की कोशिश करेंगे, जिसमें डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट सोसाइटीज में बच्चों और किशोरों के क्या अर्थ होते हैं, साथ ही अलग अलग जो कॉन्टेक्स्ट्स हैं उनमें बच्चे जब बड़े होते हैं उनके जो ग्रोइंग एक्सपीरियंसेस हैं क्या वो अलग अलग होते हैं, सामाजिकरण का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, फिर सामाजिकरण का संप्रत्यय क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन, एंड द वेरियस एजेंसीज जो सोशलाइजेशन में मदद करती हैं माइक्रो लेवल पर, मेसो लेवल पर और मैक्रो लेवल पर, इसके बारे में ब्लॉक 1 की यूनिट्स में डिस्कशन किया गया है। कोर्स के ब्लॉक 2 में हम डिस्कस कर रहे हैं इन्फेंसी से एडल्टहुड तक की ग्रोइंग अप प्रोसेस, जिसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट के डिफरेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स और ये डेवलपमेंट कैसे होता है, बच्चे के विकास की समझ विकसित करने में कौन कौन से परिप्रेक्ष्य हैं जो हमें प्रभावित करते हैं, साथ ही बच्चों के विकास के विभिन्न आयाम, डिफरेंट डायमेंशंस, जैसे फिजिकल, शारीरिक विकास, इमोशनल, सांवेगिक विकास, कॉग्निटिव, बौद्धिक विकास, मोरल, नैतिक विकास और साइकोसोशल डेवलपमेंट, मनोसामाजिक विकास, इन सारे डायमेंशंस पर ब्लॉक 2 में कंसंट्रेट किया गया है। साथ ही ब्लॉक 2 आपको यह भी बताता है कि बच्चों और किशोरों का अध्ययन कैसे करें, कैसे आप उनको समझें। इस कोर्स का अंतिम ब्लॉक ब्लॉक 3 है और ब्लॉक 3 में हमने डिफरेंट डिबेट्स, जो कि क्रिटिकल डिबेट्स हैं चाइल्डहुड और एडोलेसेंस की, उनके बारे में बात करने की कोशिश की है, जैसे बच्चों के जीवन पर मीडिया का क्या प्रभाव होता है, किशोरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इन समस्याओं का समाधान देने में विद्यालयों और शिक्षकों, स्कूल और टीचर्स की क्या भूमिका है, जीवन में जो समस्याएं आती हैं उनको समझने के लिए और उनसे निपटने के लिए जीवन कौशलों का क्या महत्व है, जीवन कौशल शिक्षा, लाइफ स्किल एजुकेशन स्कूल में क्यों दी जानी चाहिए, और साथ ही बाल अधिकार संरक्षण के कौन कौन से नियम हैं, चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन की बात की गई है, और आपकी एक शिक्षक के रूप में बच्चों के चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन में क्या भूमिका होगी, इस संबंध में ब्लॉक 3 में हमने बात की है। आइए देखते हैं कि हर एक यूनिट में हमने क्या क्या रखा है। जो हमारे इस पाठ्यक्रम के ब्लॉक 1 की यूनिट 1 है, कंसेप्ट ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, इस यूनिट में हमने बच्चा बड़ों से कैसे भिन्न होता है, बच्चे और किशोर के विभिन्न संस्कृतियों में विभिन्न परिप्रेक्ष्य कैसे होते हैं, बचपन और
किशोरावस्था का निर्माण कैसे होता है, ये मूलतः निर्मित होते हैं, और साथ ही विभिन्न सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और रिलीजियस फोर्सेस बच्चों के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखते हैं, बच्चों को कैसे देखते हैं, जो विभिन्न समय, काल और परिस्थिति के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, इन डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट स्पेस, इसके बारे में यूनिट 1 में बात की गई है। कोर्स की यूनिट 2 का टाइटल है सोशलाइजेशन एंड ग्रोइंग अप इन डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट। इस यूनिट में हम सोशलाइजेशन के कॉन्सेप्ट, बच्चों के विभिन्न परिदृश्यों में जो ग्रोइंग अप एक्सपीरियंसेस हैं उनकी बात, सामाजिक जीवन की प्रक्रिया के रूप में सामाजिक, और बच्चों के डिफरेंट ग्रोइंग अप एक्सपीरियंसेस को टीचर्स को समझना क्यों जरूरी है, शिक्षकों को जानना क्यों जरूरी है, इसके क्या उपाय देता है, ये क्यों कैसे आपकी मदद करेगा, इसकी बात हमने इसकी यूनिट 2 में की है। इस कोर्स की यूनिट 3 में हमने डिफरेंट एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन की बात की है, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन के साथ साथ फैमिली, स्कूल, रिलीजन, कम्युनिटी, मीडिया, सोशल नेटवर्किंग, इन सबके सोशलाइजेशन की प्रक्रिया में क्या भूमिका होती है, फैमिली और संगी साथियों की भी जेंडर सोशलाइजेशन कैसे होता है, टीचर की एक सोशलाइजेशन के एजेंट के रूप में क्या भूमिका हो सकती है, इन सब की बात की गई है। वहीं यूनिट 4 अंडरस्टैंडिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें हमने बात की है कि हम डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, इसके कौन से सिद्धांत हैं, साथ ही मानव के विकास के लिए जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे इश्यूज हैं, चाहे वो नेचर नर्चर का इशू हो, चाहे वो कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी इशू हो, एक्टिविटी पैसिविटी इशू हो, यूनिवर्सैलिटी या कंटेक्स्ट स्पेसिफिक इशू हो, इन सारे इशूज पर हमने इस यूनिट में बात की है, और साथ ही विभिन्न सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल बैकग्राउंड में बच्चों के डेवलपमेंटल टास्क अलग अलग होते हैं तो वे क्यों होते हैं और क्या होते हैं, और बच्चों के विकास में, बच्चों के डेवलपमेंट में विद्यालय का प्रभाव कैसे पड़ता है और क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमने यूनिट 4 में बात की है। जब हम बच्चों के विकास के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों की बात करेंगे, जिसमें बायोलॉजिकल परस्पेक्टिव, जो मैच्योरेशन, अटैचमेंट आदि की बात करता है, फिर लाइफ स्पान परस्पेक्टिव, किस आयु वर्ग में कैसे बचपन आगे बढ़ता है, फिर बायो इकोलॉजिकल परस्पेक्टिव है, जो बच्चों के विभिन्न पीरियड्स में सोशल प्रोसेसेस का प्रभाव कैसे पड़ता है उसकी बात करता है, फिर कॉग्निटिव परस्पेक्टिव है, जो ये बताता है कि बच्चे विभिन्न आयु वर्गों में जैसे जैसे बड़े होते हैं वो कैसे सोचते हैं, कैसे संसार के साथ अंतःक्रिया करते हैं, और सोशियो कल्चरल परस्पेक्टिव है, जो ये जोड़ देता है कि बच्चे के विकास में संस्कृति और सामाजिक अंतःक्रिया, कल्चर और सोशल इंटरेक्शन की क्या भूमिका है। तो यूनिट 5 इन सब पर बात करती है। यूनिट 6 में बाल विकास के विभिन्न आयामों पर चर्चा की गई है, जिसमें डेवलपमेंट के डिफरेंट डोमेन्स क्या हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, साइकोसोशल और इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है, बच्चे और किशोर दोनों में काम करने और नैतिक कारण ढूंढने, नैतिक तर्क करने की योग्यता कैसे विकसित होती है, और विकास की होलिस्टिक अप्रोच क्या है, और इसमें टीचर की भूमिका एक फैसिलिटेटर की तरह क्या होती है, इसकी बात हमने यूनिट 6 में की है। इफ वी सी टू यूनिट 7, द टाइटल ऑफ द यूनिट 7 इज मेथड्स ऑफ स्टडीइंग चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंस, कि बच्चों और किशोरों के बारे में यदि आपको अध्ययन करना है तो उनका अध्ययन आप कैसे करेंगे, इसमें क्लासरूम में रिसर्च की क्या जरूरत है, क्लासरूम में कौन सी व्यवहारात्मक समस्याएं होती हैं, बच्चों की इन समस्याओं का समाधान करने में आप कैसे मदद कर सकते हैं, और बच्चों और किशोरों का अध्ययन करने के लिए कौन सी विभिन्न विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, इसको हमने यूनिट 7 में फोकस किया है। यूनिट 8 आजकल जो मीडिया का इम्पैक्ट है बच्चों के बढ़ने पर उसकी बात करता है, जिसमें हम इम्पैक्ट ऑफ मीडिया अपॉन चिल्ड्रन, फिर हम बच्चों को जो कंस्ट्रक्टिव तरीके से उनके जीवन को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे उनके फोर्स को चैनलाइज कर सकते हैं, और मीडिया स्पेस में जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कैसे की गई है, इन कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम इस यूनिट में बात करते हैं। यूनिट 9 का टाइटल कंटेम्प्रेरी इश्यूज अफेक्टिंग एडोलेसेंट्स है। आप जानते हैं कि किशोरों का जीवन बच्चों से भिन्न होता है, किशोरों को बहुत सारी समस्याएं होती हैं, चाहे वो सब्सटेंस अब्यूज की समस्या हो, टीनेज प्रेगनेंसी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, डिप्रेशन, डेलिक्वेंसी, कंपल्सिव इंटरनेट यूज, ये कुछ समस्याएं आज के समय में देखने में आई हैं, इन सब की चर्चा हमने की है, साथ ही इन समस्याओं से एक टीचर कैसे निपट सकता है, शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है, इन प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने और अगर हो गई हैं तो उनमें इंटरवेंशन में टीचर की क्या भूमिका है, इस सब की बात यूनिट 9 में की गई है। वहीं यूनिट 10
लाइफ स्किल एजुकेशन फॉर एडोलेसेंस की बात कर दी है। इस यूनिट में हमने लाइफ स्किल्स क्या है और लाइफ स्किल एजुकेशन क्या है, एडोलेसेंस क्यों रिस्की बिहेवियर को के लिए ज्यादा होते हैं, हम उनकी जीवन की समस्याओं का सामना करने में कैसे मदद कर सकते हैं, कैसे उनमें पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं, और एक विद्यालय में लाइफ स्किल एजुकेशन प्रोग्राम की जरूरत क्यों है, इन सब की बात हम यूनिट 10 में करते हैं। इस कोर्स की यूनिट 11 चाइल्ड राइट और लेजिस्लेशंस की बात करती है, जहां विभिन्न कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में भारत में खासतौर पर बच्चों के राइट्स के विषय में क्या कहा गया है, फिर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन में चाइल्ड राइट्स के बारे में क्या कहा गया है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो भारत में काम करते हैं उनकी चाइल्ड राइट प्रोडक्शन में क्या भूमिका है, एक टीचर की चाइल्ड राइट प्रोडक्शन में क्या भूमिका है, इस सब की बात हमने इस यूनिट में की है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा कोर्स हार्ड कॉपी में आपको मिलने के साथ साथ सॉफ्ट कॉपी में दो जगह उपलब्ध है। आप www.egyankosh.ac.in की वेबसाइट पर जाकर इग्नू सेल्फ लर्निंग मटेरियल का जो लिंक है उस पर क्लिक करके स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई प्रारंभ कर सकते हैं। साथ ही अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हैं तो इग्नू ई कंटेंट ऐप में जाकर हमारा ई कंटेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका वीडियो का लिंक मैंने दिया है जिसमें यह बताया गया है कि कैसे ई कंटेंट ऐप डाउनलोड करें। कि हमारी एक यूनिट के तीन महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। पहला ओपनिंग सेक्शन होता है जहां यूनिट का इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उसके बाद यूनिट का मेन कंटेंट होता है जहां हम डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स और सब कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए हैं उनकी बात करते हैं, और फिर उस यूनिट के अंत में उसकी समरी, यूनिट एंड एक्सरसाइजेस और आंसर टू चेक योर प्रोग्रेस दिए होते हैं। आप किसी भी यूनिट को पढ़ें, आप ध्यान रखें कि उसको ध्यान से पढ़ें, सेक्शंस को जंप ना करें, कम से कम एक बार बैठें तो एक सेक्शन पूरी तरह से पढ़ें, और यूनिट के साइड में जो मार्जिनल स्पेस दिया गया है उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो प्रश्न आपको पूछने हैं, कोई एक्स्ट्रा स्टडी के लिए आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, उनको आप वहाँ लिखें। साथ ही आप जब एक सेक्शन को पूरा करें उस सेक्शन के बाद जो चेक योर प्रोग्रेस क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके जवाब खुद लिखें, और यूनिट के एंड में उनके जो जवाब, उनके जो आंसर्स दिए गए हैं उन आंसर्स के साथ अपने लिखे आंसर्स को मैच करें। अगर कहीं बहुत दुविधा है, बहुत कमी है, तो आप अपने आंसर्स को दोबारा उस यूनिट के सेक्शन को पढ़ने के बाद फिर लिखें। आप हमारी यूनिट के अंत में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो एक्टिविटीज सजेस्ट की गई हैं, उनको भी करें, और अपनी काउंसलिंग सेशंस में जाकर अपनी डाउट को क्लियर करें। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी काउंसलिंग सेशन में जरूर जाएं, जहां अपने काउंसलर और अपने संगी साथियों के साथ अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी क्वेरीज को डिस्कस करें, हमारे मटेरियल का बेहतरीन इस्तेमाल करें, और अगर उसमें कोई और रिसोर्स आपको पढ़ना है तो हर यूनिट के एंड में रिसोर्सेज सजेस्ट किए गए हैं, आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि प्रिय विद्यार्थियों, अपने बच्चों को समझिए, उनका हाथ पकड़िए और शिक्षा की यात्रा में उनको अपने साथ लेकर चलिए। आप एक अच्छे शिक्षक बने, एक प्रभावी शिक्षक बने, इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।